तो गाइस स्वागत है आप लोगों का अटल ब्रिज पे। भाई यहाँ का खासियत क्या है ये ब्रिज का? थूकना मत क्यों तुम्हें। मावा नहीं थूकने का यार। प्री वेडिंग कपल शूट समझ में आता है, प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग गाइस शूट क्या हो रहा है यहाँ पता नहीं चल रहा है। मैच चालू हो चुकी है, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। वो क्या बोलते हैं जेठा भाई यार, देख ले रहे झगड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो जी 3:35 हो चुकी है, बढ़िया से वराछा के रोड से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद, बच्चे बूढ़े सब रेडी हो गए हैं, बूढ़े यानी मैं और बच्चे यानी ये गाइजिस। हार्दिक जी एज यूजुअल गाड़ी चलाएंगे और हम यहाँ पे उनको क्या बोलते हैं गाइडेंस करेंगे। कभी कभी रोड है रास्ता ऐसा हो जाता है तो ठीक है, एंड तक देखना वीडियो, बहुत मजा आने वाला है। अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं वो वीडियो के एंड में बताएंगे, जब रिटर्न होंगे तब आपको देखना होगा एंड तक, ठीक है। मजा आएगा, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी आपको। और हमारे साथ अभी एक फ्रेंड जुड़ने वाला है जिनका नाम है सचिन, जो हमारे साथ आने वाले हैं क्योंकि उनका भी एक काम है उसमें। तो दैट्स हाउ इट इज, बने रहिए। मम्मी अभी रेडी हो रही थी, मम्मी जा रही है कहाँ पे, जात्रा में। तो मम्मी अभी 6 निकलेंगे, हम लोग 3:30 निकल चुके हैं, तो वो फुली टाइम पे पहुंच जाएंगे। हमारे एक जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है तो वो भी आपको बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सारिका ऑल गुड? ऑल गुड। और ये मम्मी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और स्वामीनारायण मंदिर है वहाँ पे सप्ताह है। ओके तो वहाँ पे मम्मी आपको मिलेंगे, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो जगन्नाथपुरी से है तो वहाँ पे मम्मी आपको मिल सकते हैं। और मम्मी को थोड़ा बहुत गाइडलाइन चाहिए कि वहाँ पे नजदीक कौन से वो दर्शन करने के स्थल है, वहाँ पे जाना है मम्मी को, थोड़ी गाइडलाइन भी चाहिए तो वो कमेंट में बताना। और जो वहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे मम्मी को खुद मिल लेना। यस, कुछ कमेंट आए थे, वेलकम टू उड़ीसा, उड़ीसा में आपका स्वागत है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है, तो प्लीज अगर उड़ीसा से कोई देख रहा है तो बता देना और कमेंट वी विल रीड। गर्मा गर्म फाफड़ा, बनेला गांठिया, कढ़ी और चाय, मौजमा। तो गाइस 5 हम लोग पहुंच चुके हैं करजण ऑनेस्ट पे, बहुत बढ़िया। सचिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन हूँ कहवा है, चा पियो मौज मारियो, चा का जाम। तो गाइस जब ये गाड़ी हाईवे पे इतनी स्पीड पे चलती है तो ये मून का पोजीशन जो है वो उधर ही रहता है, उसका रीजन क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको बताइए, जानने का है कि हमने साइंस नहीं लिया था भाई, हमने कॉमर्स लिया था, ये किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, नहीं फिजिक्स का ही होगा, क्यों आता है क्यों? और ये नंबर प्लेट कहाँ का है वो भी दिखाओ भाई, AR मतलब, तो ये तो पहली बार देखा मैंने AR। 5:38 हुआ है, हम लोग वडोदरा पहुंचने वाले हैं, क्या गाड़ी चला रहे KGF, गुड जॉब। तो जी 7:05 हो चुकी है, अहमदाबाद की गलियों में आपका स्वागत है, गुड ड्राइविंग KGF जी। थैंक यू। और सब लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी नींद निकाली है, क्या ही बताऊं है, बहुत है, कैसी नींद है, आई थी थोड़ी बहुत खर्राटे ठोक रहे थे एक घंटे के लिए सारी का। हम तो 1.5 तो क्या है, हमारे घर में सबसे बेस्ट चीज ये है कि हेजू सारी का और कनिष्क गाड़ी में बैठते हैं ना सीधा पॉट, पहला तो काम रह जाए। तो अभी हमने सोचा ये है कि नीरव भाई और आंसी मामी को थोड़ा सरप्राइज देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 1 का टाइम है, 8:30 को काम है, तो 7:30 तक हम घर पे पहुंच जाएंगे, तो क्या हेजू को और सबको ऐसे फ्रेश बेस हो जाएंगे, फिर निकलते हैं चाय का जाम। तो एक स्टोरी है हमारी, जब भी हमारी सगाई हुई थी ना तब मैं पहली बार यहाँ पे नीरव भाई के घर पे आई थी, तब जयदीप भी आए थे, तो हम दोनों काकरिया गए थे, वो भी BRTS में। तो जयदीप रास्ते में बोले सारिका सब जगह पे जनमार्ग आ रहा है, जनमार्ग है क्या, ज्यादा बड़ा लगता है। मैंने बोला जयदीप जनमार्ग मतलब जन एटले माणसो ने चालवानो रस्तो एवं हो, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे तो गुजराती में थोड़ा लोचा हुआ था, तो ऐसा पोपट हो गया था जयदीप का पहला हमारा। बहुत बढ़िया पोपट हुआ था। तो सारिका सच बोल, तेरे को मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा नहीं हुआ था कि मेरा हस्बैंड इतना डम्ब कैसे हो सकता है? तभी मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ज्यादा ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ गए हैं। जनमार्ग ब्रिज गया। हाँ अभी यहाँ से बहुत नजदीक है भाई, आज वेदर बहुत बढ़िया है गाइस, लुक एट द कलर्स, जबरदस्त अहमदाबाद की गलिये। येजू को इतनी ज्यादा खुशी मिलने वाली है ना, टेंशन नहीं रहो भाई,
तो जी बज चुके हैं 9:30, हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। घर पे हमारा काम हो चुका है। यहाँ देख लो लाइन, बहुत बढ़िया लाइन, सिंबल देख लो, मर्सिडीज देखने आए थे, पर मर्सिडीज बहुत ज्यादा महंगी है, तो अभी इनोवा से ही काम चला लेंगे। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे जाने का सोच रहे है। बहुत बढ़िया मात्रा में अटल ब्रिज का लोकेशन कवर करेंगे। अहमदाबाद आए है तो देख के ही जाते हैं, सारी कहने और किसी ने देखा नहीं है। हम लोग तो आए थे, यहाँ पे ये हो गया है। कनिष्क को पता नहीं क्या होता है ना, अचानक भड़कारा वागने लगता है। बात नहीं, वहां पे खेलेगा। चलिए मिलते हैं अटल ब्रिज के पास, हमारा काम हो गया, चकाचक फिनिश, बढ़िया रहा। नीरू भाई के घर पे वो टाइम नहीं मिला, तो जितना मिला उतने मजा कर लिया। इसके नीचे जाने का है, उधर उसे ऐसे यू टर्न मारने का है। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का अटल ब्रिज पे। यहाँ पे कितने रुपए की टिकट है भाई? 30 रुपए पर पर्सन। हाँ, और बच्चों की 15 रुपए। भाई यहाँ का खासियत क्या है ये ब्रिज का? थूकना मत, मावा नहीं थूकने का। और यहाँ पे फोटो वीडियो खींचने आते हैं सब लोग। कैमरे पे पान है, कैमरे पे पैसा भरना पड़ता है, फोन पे चल जाता है। क्या बात है, कैमरे में भी फ्री है, कैमरे फ्री है। तो गाइस ये है टिकटॉक का ब्रिज, रील्स का ब्रिज, यूट्यूब का ब्रिज। देख लो हम लोग आए, दूसरी बार आए हम लोग तो। वैसे सारिका और कनिष्क और रेजू फर्स्ट टाइम आए हैं। कलरफुल ब्रिज बोलते हैं, अटल ब्रिज बोलते हैं। फ्लाइट से बहुत बढ़िया दिखता है। ये तो तेरे को कैसा लगा बेटा? अच्छा है ना, यहाँ पे सॉन्ग बज रहा है। कुछ नहीं, अमूल पार्लर में आइसक्रीम खाएंगे अभी, रेजू को आइसक्रीम खिलाएंगे ये। तो गाइस ब्रिज की अच्छी बात मुझे ये लगी कि फोटोजेनिक स्पेस है, बहुत बढ़िया फोटो वीडियो आ सकते हैं। बट बुरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे है ना म्यूजिक बज रहा है, कॉपीराइट आता है। वो बजना तो रोमांटिक वैसे फील कैसे आए है ना तेरे को? कितना आम जो तारो आम कितलो आम तो कपड़ा नो कलर जो तू तारो सारी का, वाह ऐसा लगा है आज सारी का ये ब्रिज के लिए ही आज कपड़े ये पहन के आई थी। वाह भाई वाह है न। चलो कहीं ना कहीं तो घुमाएंगे। सचिन भाई कैसा लगा ब्रिज? बढ़िया है ना? अभी कहाँ जाएंगे यहाँ से? घर जाएंगे। रील का अड्डा है भाई, रील बनाने का मजा आता है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कलर लेके आते तो होली खेल सकते यार, है ना? पूरा का पूरा ऐसा कलरफुल ब्रिज और हम भी कलर वाले। डस्टबिन कलरफुल ही है देखो। ओह वाह, मावा बिजनेस देख लो, डस्टबिन इधर है तो भी कहीं। हाँ ओ अरे अरे ओ माय गॉड, कितने आलसू होगा यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। होते हैं कुछ लोग। तो जी बच्चे लोगों को यहाँ मौज पड़ गई है सारिका की बदौलत। यहाँ वेनिला उड़ रहा है और यहाँ पे चोकोबार उड़ रही है, और हमने लिया है लस्सी ठंडी पाने के लिए। बहुत बढ़िया लस्सी मैन लस्सी, और यहाँ पे कॉफी मैन कॉफी। चलिए गाइस तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा अटल ब्रिज का टूर। बहुत मजा आया, रील क्रिएट करी, वीडियोस बनाए। कनिष्क तो अभी भी जॉब नहीं ले रहा है, लेकिन हमको अभी निकलना होगा चाका जाम। हल भाई रील बनावी से? नहीं। रील बनावी तो यहाँ रील ना बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया सा लोकेशन मिल गया है। रील के लिए स्पेशली लोग यहाँ पे आते हैं, तेरे को पता है? मेरे को पता है ना, बहुत ज्यादा पता है। तो लेकर बनाते हैं अच्छा सा रील। हार्दिक पंड्या यहाँ अभी क्यों है? तो हम जो हार्दिक पंड्या आइसक्रीम खाए यहाँ अभी। प्रो लेवल यार, ये लोग रील क्या क्रिएट करते हैं, खजाना है यार। सारे का कितनी मजा है, हम जो वॉचमैनों ने कितनी मजा तार पास जो सिंपल सोबर बेहवानू बदन जो आनू। गर्लफ्रेंड से बात करे, जब भी कोई लड़का लड़की से बात करे तो उसकी मुंह की रंगत अलग ही होती है ना। तो ये सज्जन को अंदर जाना है, देख लो गाइस इस यार प्री वेडिंग कपल शूट समझ में आता है, प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग गाइस गाइस शूट क्या हो रहा है यार पता नहीं चल रहा है। एक कैमरा लेके एक फोन लेके क्या बात है। सचिन देखा है कभी? प्री वेडिंग कपल नहीं है ये, प्री वेडिंग गाइस है। अटल ब्रिज पे आओ देखने मिलेगा। तो गाइस 10:43 हो चुकी है और गर्मी का प्रमाण इतना ज्यादा है कि क्या ही बताऊं। अटल ब्रिज तो मजा आया लेकिन गर्मी भूखा काट रही है। अभी सीधा जाएंगे सूरत, मिलते हैं घर पे जाके। मम्मी को फोन नहीं किया है, मम्मी के साथ बात करनी पड़ेगी। मम्मी को मैंने कर लिया पहुंच गए थे टाइम पे 8 बजे निकल। सरस वेरी गुड। तो मम्मी गए निकल चुके हैं और अभी हम भी यहाँ से निकल चुके हैं जाने के लिए घर पे। सारिका को सबवे खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो देखते हैं अभी सबवे कैसे मिलता है। तो मेरा ये कि आप लोग नहीं खाओगे? सब खाएंगे, खाएंगे तो सब खाएंगे।
तो गाइस अहमदाबाद में इतनी गर्मी है, ये सज्जन को देख लो, वो कांच के अंदर दिख रहा है, वो देखो उसका मुंह, उसकी सिर्फ आंखें भी नहीं दिख रही है, पूरा का पूरा मजा आ गया भाई। इसमें थोड़े दिनों में उसके मैरिज हो रहे हैं। अच्छा ये किसकी गेम का है? नहीं शादी होने वाली होती है ना, इसीलिए क्या है वो ब्लैक धब्बा ना हो जाए, फेशियल करवाया होता है तो ना बोलते बाहर जाने के लिए, लेकिन काम की वजह से जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। और सचिन भाई को तो उसका वैसे पूछे सचिन भाई कि ये किसकी गैंग से आए हैं, गैंग्स ऑफ वसईपुर। ये देखो काफी सारे लोग ऐसे बांध के निकले हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी प्रो लेवल नहीं हुई है फिर भी इतनी लग रही है। गाइस ये होटल का नाम देख लो, होटल मलवा, जे लोग मलवा आवे नहीं बता अहिया रोका है, होटल मलवा रेसिडेंसी, एटले मलवा बाहर थी आयो, અમદાવાદ નું ખાવાનું સારું લાગે છે, બહુ બઢિયા હેલ્ધી હૈ કનિષ, દેખો મંકી ચાલી ગયા। તો યહાં પે હમારી સભ્ય પાર્ટી હો ચુકી હૈ સ્ટાર્ટ, સારી કાકા સબસે ફેવરેટ, કિતને સાલો કે બાદ મિલા હૈ, મિલતા રહેતા હૈ, અભી મેને સલાડ જયપુર ગયા થે તબ ભી મિલા હી થા, મિલતા રહેતા હૈ, મન હોતા હૈ તબ ભી તો અચ્છા રહેતા હૈ। વેરી ગુડ, યહાં પે હેલ્ધી લોગ હેલ્ધી ચીઝે ખા રહે હૈ, વેજ ઓનલી સલાડ, પકડી સલાડ ખાલી સેમ હો જાતા હૈ। હમ खाने में सब भी ऐसा है जो मेरा और जयदीप का सेम फेवरेट है, बाकी में थोड़ा अनबन रहता है लेकिन ऐसे अच्छा है। वेरी गुड, एंजॉय जेजू, इट्स नॉट अलाउड, पुट इट बैक। तलिया झटक साफ हो गया है सब कुछ, छोकरे लोग यहाँ पे सचवा गए हैं और सारिका का बहुत बढ़िया सा सचवा गया है। और गाइज आपने अगर इंस्टाग्राम की हमारी रील नहीं देखे तो देख लो, वायरल हो गई है, लगदी कमाल। वैसे रील में हम माहिर है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, बस एक्टिंग करना वो सब हमारे बस की बात ही नहीं है, लेकिन तो भी हमने थोड़ा ट्राई किया है, एक दो कमेंट जैसी थी ना वैसे ही आई कि सारिका बहन जयदीप को खींच रहे, ऐसा ही था। दो तीन बार रिटेक लिया बाद में ऐसा कुछ मिला। और बहुत मजा आया, बहुत सारे लोगों की उसमें कमेंट आई कि अहमदाबाद आए हो तो मैसेज करो, मिलते हैं, मीटअप करो। जैसा है कि हमारे छोकरे लोग है ना वो लेवल अप हो जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, रील बनाने के लिए हमने कितने पापड़ बेले, मीटअप तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर बुलाते ना तो प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि ये लोग तो एनीवे। सचिन भाई को मैंने बोला सचिन भाई थोड़े देर दोनों बच्चों को रखो आप, तब तक मैं फोटो खींच के आ देता हूँ, वो बोलते इसको ले जाओ, वो ये नहीं संभलता, इसको ले जाओ, क्या भागी जा, इसको संभालो आप, तो ये हो रहा था। ठीक है तो सॉरी अबाउट दैट, हमारा काम एक्चुअली 15-20 मिनट का ही था, बट आधा दिन निकल गया, इट्स ओके। मीटअप पर है तो गेट पर गए हुए हां, ये होता है। ठीक है चलिए, एनीवे मजा आया, नीरो भाई से मिले, घर पे सबको मिले, एंजॉय किया, चाय पानी हुआ, यहाँ पे हमारा सब हो गया, ऑल इन ऑल वेरी गुड डे स्पेंड, प्रोडक्टिव डे स्पेंड। अभी पापा घर पे अकेले होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे तो भग लेंगे, अच्छा रहा हमारा दिन। तो जी 3:20 हो चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे गाइज, एग्जैक्टली 12 घंटे के अंदर हम लोग अहमदाबाद जाके हमारा काम फिनिश करके आ गए हैं, विच इज रियली गुड थिंग फॉर अस। तो अभी बहुत ज्यादा थकान मेरे को हो चुकी है, तो अभी थोड़ी देर सोएगा, फिर उठ के मचाएगा। सब लोग आ चुके हैं, हेजू और कनिष की जी, और हेजू का पंखा ले लिया है बहुत बढ़िया वाला, ठंडी ठंडी हवा लेके सो जाने का। ओके बेटा, वेरी गुड, आई लाइक इट, एंजॉय। तो अभी 6:45 को आए, लेकिन कोई भी अभी उठ ही नहीं रहा है, हम शायद 3:30-4 पहुंच गए थे, तो जयदीप और हार्दिक भाई तो तुरंत ही सो गए थे, मतलब इतने थक गए थे, तो हम मैंने कनिष्क ने और रेजू ने तो गाड़ी में थोड़ी नींद खींच ली थी, तो दोनों बच्चों को खिलाया पिलाया और बाद में दोनों बच्चे भी सो ही गए, मतलब अभी सब लोग सो रहे। पापा का ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, लेकिन अभी भी किसी को उठना नहीं है, 2-3 उठा है, कोई नहीं आया, सुबह सुबह पापा का स्विच रह गया है, तो सोचा कि पापा ऑफिस जाए उससे पहले पापा का स्विच ले लेते, तो पापा यहाँ पे लू खा रहे है क्योंकि अंदर सब लोग सो रहे हैं, इसलिए है ना पापा, आज देना पड़े ना, हाँ आज बहुत गर्मी है ना, अहमदाबाद में तो बहुत ही ज्यादा थी, सबसे ज्यादा अहमदाबाद हीट वेव रहता है। हाँ तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, कल की तैयारी तुम आज से करो, जीवन में कबूतर नहीं बाज बनो। सही है पापा, ठीक है सही है, ठीक है ठीक है, थैंक यू, ओके।
तो अभी ऐसा ही है, मम्मी थोड़े दिन नहीं है तो मुझे बाज बन के ही रहना पड़ेगा। कल की तैयारी आज से ही करनी है। तो चलो अभी सुबह सुबह हम सब लोग निकल गए थे तो कपड़े धोना वगैरह सब कुछ बाकी है, तो वो सब वॉशिंग मशीन का वो सब हाथ का वो सब वो भी कर ही देते, बच्चे सो रहे हैं तब तक। तो जी 7:25 हो चुकी है, बहुत बढ़िया सी मैच चालू हो चुकी है, गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। ये मैच देख के मेरे को वो क्या बोलते जेठा भाई यार देख ले झगड़ रहे ना ऐसा लग रहा है, ये फोटो रख रहा हूँ देख लो बहुत कॉमेडी हो गया। एनीवे गाइस, आराम वाराम हुआ के? हाँ थोड़ा हुआ, थोड़ा हुआ ना, रात को ज्यादा कर लेंगे। गाइस बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं अहमदाबाद हम लोग क्यों जा रहे हो बताऊंगा। तो देखो मैंने बीच में एक क्लिप रखी थी मर्सिडीज के शोरूम के पास, तो जाहिर सी बात है अहमदाबाद वाले लोग को ज्यादातर पता चल गया होगा क्या है, बट जो लोगों को नहीं पता है बताना चाहता हूँ कि एक वीजा का प्रोसेस आता है जो करना पड़ता है। अभी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो सब बाद में तो बुम बुम बुम। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है, हमको जाना था जाए जो खत्म हो गया आ गया टाइम पे। हमारा मॉर्निंग का इसलिए लिया कि ट्रैफिक कम होता है और हमारा फैमिली का था तो फटाफट टाटापुर में खत्म हो जाए। गर्मी का प्रमाण इतना ज्यादा है कि भाई क्या ही बताऊं आप लोगों को। एनीवे अभी फुदड़ा बुदड़ा घर के अंदर आने चालू हो गया है तो फुदड़ा बुदड़ा को बाय बाय करेंगे। यहाँ पे सारिका सबसे दुनिया का बेस्ट जॉब कर रही है कनिष्क को साचवने का। कनिष्क ऐसा हो गया है ना आज, उसका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है, गाड़ी में घर में बड़बड़ बम 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 ये जो गई है बाजू में और देखो अभी ये उधर से बाहर निकल रहा है। एनीवे सारिका को टेंशन ये है कि अभी अगर सोएगा नहीं रहेगा नहीं तो जम डिनर कब बनाएगी, तो वो एक है। एनीवे गाइस आज का वीडियो हमको आई थिंक इधर ही एंड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं तो कर डालो। ये बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, सी यू टुमारो।